नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारा नॉलेज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम लोग एक और SSC प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो बने रहें इस वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके तक पहले पहुँचे। किस वर्ष भूटान के चौथे राजा जिंगमे सिंगे वांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था? इसका सही उत्तर 1972। जिगमे सिंगे वांगचुक भूटान के चौथे राजा थे। 1972 में भूटान के चौथे राजा बने। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने घरेलू उत्पाद के बजाय नागरिकों की भलाई को मापने के लिए एक सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक, जिसे सकल प्रसन्नता सूचकांक भी कहा जाता है, के उपयोग की वकालत की। 2006 में, ध्यान रखें, 2006 में इनके बेटे जिगमे खेसर वांगचुक भूटान के राजा बने, जो वर्तमान में भी भूटान के राजा हैं। वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग हैं। नेक्स्ट, अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? टिंकरिंग का अर्थ है एक आइडिया से कुछ नया बना देना। यह नीति आयोग द्वारा स्टार्ट की गई एक पहल है। इसमें बच्चों में वैज्ञानिक सोच लाना है, इसका उद्देश्य है बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना। स्कूल प्रशासन का कहना है कि कई बच्चे क्रिएटिव होते हैं, लेकिन उन्हें अब प्रयोग करने का जरिया नहीं मिल पाता। इस लैब के जरिए स्कूली बच्चे अपने हुनर का प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं इसमें प्रधानमंत्री के एक रचनात्मक भारत, एक अभिनव भारत, ध्यान रखें, एक रचनात्मक भारत, एक अभिनव भारत बनाने के सपने को लेकर इस लैब का गठन किया गया है। इसमें 6 से 12वीं कक्षा तक के, मिनिमम 6 क्लास से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए एक अत्याधुनिक, जैसे 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि से युक्त लैब में अपने अभिनव विचारों को साकार रूप देने का एक कार्य स्थल है। इसमें विद्यार्थियों के लिए अवधारणा है खुद से करो, खुद से करो, यानी उनके अंदर वैज्ञानिक सोच लाना है। वह अपनी प्रतिभा कैसे प्रदर्शित करते हैं इसे बताना है। 2022 तक सपनों का नया भारत बनाना है। वहीं ध्यान रखें कि 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नीति आयोग ने एक पुस्तक भी विमोचन किया, जिसका नाम है नई दिशाएं, नए निर्माण, नया भारत। नई दिशाएं, नए निर्माण, नया भारत। नेक्स्ट, शीत निद्रा हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? इसका सही जवाब होगा, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। हाइबरनेशन, जिसे शीत निद्रा कहते हैं, शीत क्षेत्रों में रहने वाले जीव जाड़े की ऋतु में अपने शरीर को निष्क्रिय एवं अवसन्न अवस्था में कर लेते हैं।
इसमें शारीरिक क्रियाएं लगभग रुक जाती है या बहुत ही क्षीण हो जाती है, जैसे शरीर का तापमान काफ़ी कम हो जाना, श्वसन दर एवं हार्ट रेट काफ़ी कम हो जाना इत्यादि। ऐसे जीव दीर्घकाल तक पूर्ण निष्क्रिय होकर पड़ा। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी को वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा अक्षांश। पृथ्वी एक पूर्ण वृत्त जैसा है, जिसमें इसके उत्तरी ध्रुव पर थोड़ी सी यह चपटी हुई है। इसके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एवं एक दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, जिसे विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। वहीं उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, जबकि दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा एक काल्पनिक रेखा के रूप में अवस्थित है। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा के समानांतर होते हैं और यह विषुवत रेखा के सापेक्ष नापा जाता है, जिसमें 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री करते करते 90 डिग्री तक ऊपर एवं 90 डिग्री तक नीचे 180 प्लस एक विषुवत रेखा टोटल अक्षांश की संख्या 181। नेक्स्ट, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के अनुसार 2014 में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन थी? इसका सही उत्तर होगा हिना सिद्धू। हिना सिद्धू को 2014 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? इसका उत्तर गोल्फ। गोल्फ में पुट शब्द का उपयोग किया जाता है। गोल्फ में आप जानते हैं एक क्लब होता है, यानी जो छड़ी होता है वह क्लब होता है, और इसी से गेंद को पुट करते हैं। होल में जाने के लिए गेंद को पुट करते हैं, यानी हिट करते हैं, तो गेंद को पुट करते हैं, इसलिए वह क्लब को, वह छड़ी को पुटर कहा जाता है, और बॉल को जो हिट करते हैं उसे पुट कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। ये थी सिरिमाओ बंदरा नाइक। सिरिमाओ बंदरा नाइक। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, मात्र 30-31 किलोमीटर दूरी है इसका भारत से। श्रीलंका का प्राचीन नाम सियोल था, बाद में यह इसका नाम सियोल से लंका हुआ, तथा 1978 में इसका नाम लंका से श्रीलंका हुआ। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरा कोट्टा है, जबकि इसकी वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है।
इसके वर्तमान प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं, वहीं राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। अगर बात करें दुनिया के प्रथम प्रधानमंत्री जो पुरुष हैं, वो रॉबर्ट वालपोल हैं, ये इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? पश्तून। जी हाँ दोस्तों, पश्तून। नेक्स्ट, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर होगा आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनको अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, ध्यान रखें, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। 2019 में इसे भारत में रवीश कुमार, बहुत ही चर्चित संपादक, एनडीटीवी के संपादक हैं, रवीश कुमार को प्रदान किया गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वहीं वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान है। इसमें एक ऑप्शन है बाबा आमटे। बाबा आमटे का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है, मुरलीधर देवीदास आमटे। ये एक सम्मानित समाज सेवी थे, समाज से परित्यक्त एवं कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक उन्होंने योगदान, अनेक उनके डेवलपमेंट के लिए योगदान दिया, उनके निवारीकरण के लिए एवं अनेक आश्रम की स्थापना इन्होंने किया। और इसी में से एक प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में स्थित आनंदवन। आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। बाबा आमटे जी को पद्म विभूषण, पद्म श्री एवं गांधी पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिए दोस्त, ऐसे ही आगे का भी डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? सही जवाब होगा 7, कुल 7 प्रांतों में बांटा गया है। नेपाल अपनी सीमा भारत में कुल 1752 किलोमीटर लगाती है, 1752 किलोमीटर, और भारत के कुल 5 राज्यों से यह सीमा बनाती है, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। बांग्लादेश कुल 4096 किलोमीटर बनाती है सीमा। दोस्तों, आपको एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जो 7 अन्य राज्यों के साथ साथ 2 देशों से भी अपनी सीमा शेयर करता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेपाल के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में केपी शर्मा ओली है, जिसका पूरा नाम
खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है। वहीं नेपाल में वर्तमान में प्रधानमंत्री विद्या देवी भंडारी हैं तथा वहां का मुद्रा करेंसी रुपया है। वहीं राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर 350। 350 अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है बांग्लादेश की संसद में। इस संसद को जातीय संसद भी कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा उसके वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। शेख हसीना के पिता शेख मुजिबुर रहमान थे, ध्यान रखें शेख मुजिबुर रहमान थे, जो बांग्लादेश के संस्थापक नेता एवं प्रथम राष्ट्रपति थे। बाद में प्रधानमंत्री भी बने। 1975 में उनकी हत्या हो गई। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। वहीं इसकी मुद्रा बांग्लादेशी टका है। नेक्स्ट, 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2009 में डैश को दिया गया एम्बेसडर ऑफ कॉनिशियस अवार्ड वापस ले लिया। सही उत्तर आंग सान सू की। म्यांमार, जिसे वर्मा कहा जाता है, कि एक राजनेता है आंग सान सू की। इसके साथ ही राजनयिक एवं लेखक भी है। वे बर्मा के राष्ट्रपति आंग सान सू की पुत्री हैं। आंग सान की पुत्री हैं। आंग सान सू की के पिता का नाम आंग सान हैं। वे बर्मा के राष्ट्रपति थे। आंग सान सू की ने बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया। उन्हें नोबल शांति पुरस्कार भी मिला है। हेनरी टिपाग ने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2016 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड के लिए चयनित किए गए। वहीं इसमें तीसरे ऑप्शन अलगोर अमेरिका के 45वें उपराष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल बिल क्लिंटन के समय था। अगर इसमें बात करें नेक्स्ट, बेंजामिन नेतन्याहू, ये वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने फिर से शपथ लिया है। हाल ही में एक दो दिन पहले यानी 14 मई 2020 को शपथ लिया है। इजराइल में 500 से अधिक दिनों तक कार्यवाहक सरकार रही और बिना स्पष्ट नतीजों के लगातार 3 बार आम चुनाव हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है, जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शॉर्टकट में AI कहा जाता है और इसका मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1961 में यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा चरण एक तितली के कायांतरण में तीसरा चरण होता है? सही उत्तर है प्यूपा। तितली में कायांतरण में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। पहला अंडा,
सेकेंड लार्वा, थर्ड प्यूपा एंड फोर्थ व्यस्क। चार चरण के बाद तितली व्यस्क रूप में हो जाती है। तितली कीट वर्ग का एक सामान्य रूप से हर जगह पाए जाने वाला प्राणी है। इसके शरीर के मुख्य तीन भाग हैं, सिर, वक्ष तथा उदर। इनके दो जोड़ी पंख तथा तीन जोड़ी संधि युक्त पैर होते हैं, अतः यह एक कीट है। सिर पर एक जोड़ी संयुक्त आंख होती है तथा मुंह में घड़ी के स्प्रिंग की तरह प्रोवोसिस नामक, ध्यान रखें, प्रोवोसिस नामक खोखली लंबी सुरनुमा जीभ होती है, जिससे यह फूलों का रस यानी नेक्टर चूसती है। ये एंटीना की मदद से किसी वस्तु एवं उसकी गंध का पता लगाती है। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली तितली का नाम मोनार्च है, जो लगभग 17 मील प्रति घंटे की दूरी तय कर सकती है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्रीय दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा क्या तात्पर्य है? सही जवाब होगा पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। यह 6 अप्रैल 1919 था। रॉलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय लेवल का प्रथम आंदोलन था। मुंबई में एक सत्याग्रह सभा में यह तय किया गया कि रॉलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। इस काला कानून सिडनी रॉलेट एक्ट के अनुसार बिना अपील, बिना वकील एवं बिना दलील किसी को भी पकड़कर जेल में डाला जा सकता था। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल, जुलूस एवं प्रदर्शन होने लगे। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में किस वैश्विक नेता को रूस के सर्वोच्च सम्मान संत एंड्रयू द एपोस्टल से पुरस्कृत किया गया है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वहीं एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर हैं। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? जी 1928 में HSRA का गठन किया गया था। इसका पुराना नाम HRA था, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1923 में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगियों द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल एवं उनके सहयोगियों द्वारा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन इन्हें पसंद नहीं आया और इस कारण HRA का गठन किए। 1924 से 25 तक बहुत से नौजवान इसमें जुड़ गए, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि। लूटपाट एवं डकैती होने लगे, जिसमें काकोरी कांड 9 अगस्त 1925,
जॉन सैंडर्स हत्याकांड, केंद्रीय विधानसभा में बॉम्ब 8 अप्रैल 1929 इत्यादि प्रमुख है। 1928 में भगत सिंह के आग्रह पर इस पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। नेक्स्ट, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। इनका वास्तविक नाम आनिएजे गोंजा बोयाजिय था। आनिएजे गोंजा बोयाजिय 1940 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना इन्होंने की। 1948 में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली तथा इन्हें नोबल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है 1979 में। 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से भी विभूषित किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? पृथ्वी नारायण शाह। नेपाल अब संघीय गणराज्य हो गया है 28 मई 2008 के उद्घोषणा के बाद। इसका अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे H2SO4 भी कहा जाता है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा कौन सा है? वीनस फ्लाई ट्रैप। कीट भक्षी पौधे ऐसे स्थान में पनपते हैं जहां नाइट्रेट का अभाव रहता है, अर्थात वे जमीन के नाइट्रोजन को उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डैश देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। यह नेपाल की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। नेक्स्ट, 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध के रूप में आयोजित किया गया था के विरोध के रूप में आयोजित किया गया था तुर्की के खिलाफ अन्याय के विरुद्ध के विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता की थी कि अंग्रेज भारतीय मुसलमान के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने विश्वासघात किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवर्स की संधि, यह संधि ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच हुई थी। सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान का समस्त अधिकार छिन गया। संसार भर में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। खलीफा मतलब धर्मगुरु मानते थे। इससे मुसलमान ब्रिटिश सरकार से धीरे धीरे नफरत करने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का भरपूर प्रयास किया।
और 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय किया गया। वहीं 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह आंदोलन 1924 में तब समाप्त हो गया जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खिलाफत के पद को समाप्त कर दिया। इस पद का समाप्त होने के साथ साथ ही यह आंदोलन भी लगभग समाप्त हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? कराची का बंदरगाह। नेक्स्ट, एक व्यस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? इसका सही उत्तर 4। एक व्यस्क मानव के पास कुल 4 कैनाइन दांत होते हैं। हमारे शरीर में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं जो जबड़े में अवस्थित होते हैं। इन्हें कृंतक यानी इंसीजर, रदनक यानी कैनाइन, अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर और चवर्णक यानी मोलर कहा जाता है। हमारे जबड़े में कृंतक 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। यह छेनी के समान शिखर एवं भोजन को काटने एवं कुतरने का काम करते हैं। यह 4 दांत आगे के तरफ होते हैं। नेक्स्ट, इसमें रदनक कैनाइन, यह दांत 2 ऊपर और 2 नीचे जबड़े में होते हैं। कृंतक के बगल में यह दांत पाए जाते हैं। ये शिखर नुकीले वाले होते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य के साथ ही कठोर भोजन को पकड़ने का कार्य भी करते हैं। अग्रचवर्णक, जिसे प्रीमोलर कहा जाता है, 4 ऊपरी जबड़े एवं 4 निचले जबड़े में होते हैं। रदनक दांतों के बगल में ये पाए जाते हैं। शिखर चपटे होते हैं तथा भोजन को ये पीसने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, चवर्णक, जिसे मोलर कहा जाता है, 6 निचले जबड़े में तथा 6 ऊपरे जबड़े में पाए जाते हैं। अग्रचवर्णक दांतों के बगल में पाए जाते हैं। ये चवर्णक अग्रचवर्णक दांतों के बगल में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को दलना या पीसना होता है। दंत सूत्र से आप सभी तो अवगत जरूर हैं। यह 2x2, 1x1, 2x2 एवं 3x3 होता है। यह दंत सूत्र ऊपर और निचले जबड़े के आधे हिस्से को प्रदर्शित करता है, यानी निचले जबड़े के आधे एवं ऊपरी जबड़े के आधे भाग में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें 2x2 का मतलब है 2 दांत कृंतक का ऊपरी जबड़े का और नीचे वाले 2 दांत कृंतक का निचले जबड़े का। ऐसे ही 1x1 में 1 कैनाइन ऊपर का और 1 कैनाइन नीचे का, तथा 2x2 में 2 दांत अग्रचवर्णक ऊपर का और 2 दांत अग्रचवर्णक नीचे का, तथा 3x3 में 3 दांत ऊपर के चवर्णक तथा 3 दांत नीचे का चवर्णक। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।